बाबा फरीद की यह धरती है। इस पवित्र धरती पर मैं माने गृह मंत्री जी का, माने रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सबका आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का दिन 27 अक्टूबर बहुत महत्व का दिन दो कारणों से है। एक तो आज ही के दिन 8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपनी हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी। पहले 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं। आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज 27 अक्टूबर को और एक विशेषता है, हमारे बहुत ही कर्मठ यशस्वी ऐसे नेता जिन्होंने हरियाणा में जनसंघ से समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पूरा जीवन लगा दिया। 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वालों में डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने 40 साल अपनी इस पार्टी के माध्यम से और मजबूती से संगठन को भी खड़ा किया। भले सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हरियाणा की जनता की सेवा की। आज उनके जयंती के अवसर पर मैं उनको भी अपनी ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम 8 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं 8 वर्ष के साथ यदि बात करूं हरियाणा के कुल 56 वर्षों की, तो जब हरियाणा बना तब भी ये चर्चाएं होती थी कि हरियाणा नया राज्य पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और हरियाणा की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पता नहीं आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो ये शंकाएं भी लोग करते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब टूटेगी, सफल होगी नहीं होगी, 10 प्रकार के प्रश्न लोग करते थे। लेकिन मैं पूरा इस हरियाणा की बात अगर करता हूं तो आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। चाहे वो खेती किसान के नाते, चाहे वो खिलाड़ियों के नाते, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान के नाते, चाहे उद्योग के नाते, हम हर दृष्टि से आगे हैं। और तो हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं। और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। मैं अगर कुछ उदाहरण लेता हूं इसके, तो जैसे हमने परिवार पहचान पत्र एक चीज बनाई है जिसमें से हर घर गरीब परिवार को कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है, एक एक परिवार को चिन्हित करना और उसके लिए योजना बनाना। हमने किसान को उसकी फसल का लेखा जोखा सारा अपने पास रखे, वो सरकार के पास भी रहे, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा समय पर मिल जाए, तो हमने उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऑनलाइन पॉलिसी की चर्चा धनखड़ जी ने की, आज कोई कर्मचारी कम से कम सिफारिश करा करके और वो ट्रांसफर के लिए कभी नहीं जाता, घर बैठे जो उसकी इच्छा होती है उसका ट्रांसफर होता है। गांव गांव में सीएससी सेंटर हमने खोल दिए हैं, सरकार की हर योजना घर बैठे गांव में बैठे हुए व्यक्ति और अपनी योजना को प्राप्त कर सकता है। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने इन 8 सालों में किया है। मित्रों, गिनाने के लिए उपलब्धियां बहुत हैं। कल मैंने बहुत सी उपलब्धियां समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई भी हैं, आज उन सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की जो प्रगति है, इस देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान, बल्कि जितना हरियाणा की आबादी और जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसको देखते हुए उससे ज्यादा योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप आह्वान जो करेंगे उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। आज 6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवे जो खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं, और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो NCR एरिया है इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी ग्लोबल सिटी इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं, और एक 5 नगर जिस रेलवे
ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, पलवल से होते हुए और केएमपी यानी पलवल मानेसर, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। मित्रों, गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी, देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे देने की व्यवस्था, उनकी ताकत ताकि वो सेल्फ, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। इसी प्रकार से हमने इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में ये भी सारे काम किए। हमने नारा दिया है 3 सी के साथ लड़ाई लड़नी है, वो 3 सी हैं, करप्शन, क्राइम और कास्ट। इन चीजों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। 5 चीजों में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, 5S जिनके हमने बढ़ोतरी की है। एक एक विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है। इन 5 चीजों पर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनकी नकेल कस रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है, अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। मैं पुनः आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने रेलवे मंत्री इनका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार की ओर से हमको जो निर्देश दिए जाएंगे, जो आपकी अपेक्षा होगी उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।